हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो। सो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं बच्चे, एंड इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो आज हम 10th क्लास ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को शुरू करने वाले हैं। तो जैसे उसके नाम से ही पता चल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग इसका मतलब कोई किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना, किसी चीज़ को बनाना, वो क्या है, मैन्युफैक्चर है। जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं और मैन्युफैक्चर कहाँ होगा, मैन्युफैक्चर कोई भी चीज़ कहाँ पर बनी जाएगी, मैन्युफैक्चर की जाएगी इंडस्ट्रीज़ में। लाइक अ मार्कर, कि ये मार्कर है तो ये इस मार्कर को मैन्युफैक्चर किया गया है, इसको बनाया गया है। कहाँ बनाया है, इंडस्ट्रीज़ में। ऐसा तो नहीं कि मैंने इसको अपने घर में बना लिया हो, इंडस्ट्रीज़ में इसको मैन्युफैक्चर हुआ है। तो इंडस्ट्रीज़, और इंडस्ट्री क्या है, सेकेंडरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ये सब आप लोग पढ़कर आए हैं। प्राइमरी सेक्टर जहाँ पर किसी भी चीज़ को, जो रॉ मटेरियल है जिसको मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता, जो हमें नेचर से एज इट इज़ मिला है, वो प्राइमरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर जिसमें प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल को लेकर वहाँ पर चीज़ों को बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, वो है सेकेंडरी सेक्टर। और टर्शरी सेक्टर की जो चीज़ें बनाई गई हैं, ऐसा तो नहीं कि जो चीज़ें बनाई गई हैं उसको बस वहीं स्टॉक करते जा रहे हैं, स्टॉक करते जा रहे हैं, उसको क्या करना है, सेल करना है। और सेल करने का काम किसका, टर्शरी सेक्टर का है। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें तो सिर्फ यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर को पढ़ना है, है ना। हमें तो सिर्फ मेनली मैन्युफैक्चर को देखना है कि चीज़ें बनाई जा रही हैं, कैसे बनाई जा रही हैं, बस वो देखना है हमें। तो इंडस्ट्रीज़ जो एक सेकेंडरी सेक्टर है, वहाँ पर क्या किया जा रहा है, वहाँ पर रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड, कि रॉ मटेरियल लिया जा रहा है, रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जा रहा है, और प्रोसेस करने के बाद उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो अगर हम एक डेफिनेशन की बात करें कि मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन क्या होगी, तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी, इन अ लार्ज क्वांटिटी की, एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पर चीज़ों को प्रोड्यूस किया जा रहा है आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल को लेकर उसको प्रोसेस किया जा रहा है, प्रोसेस करने के बाद एक लार्ज क्वांटिटी में चीज़ों को प्रोड्यूस किया जा रहा है टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग, और उसको और वैल्यूएबल बनाया जा रहा है। एग्जाम्पल जैसे शुगर केन, शुगर केन क्या है, रॉ मटेरियल है। शुगर केन को लिया, शुगर केन को प्रोसेस किया, कहाँ पर, इंडस्ट्री में। प्रोसेस करने के बाद उसको कन्वर्ट किस में कर दिया, शुगर में। तो शुगर मोर वैल्यूएबल है रादर देन द शुगर केन, कि शुगर केन को हम 2 रुपये 10 रुपये में उसको सेल कर रहे हैं, जबकि शुगर केन जो, उस शुगर केन से जो शुगर बनाई जा रही है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो क्या कहा है इसमें, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग, कि रॉ मटेरियल को लेकर और उसको प्रोसेसिंग कर एक लार्ज स्केल पर या लार्ज क्वांटिटी में जो चीज़ें मैन्युफैक्चर की जा रही हैं, चीज़ें बनाई जा रही हैं, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरर। जैसे एग्जाम्पल रॉ मटेरियल में हमने ले लिया शुगर केन, शुगर केन लिया, शुगर केन को प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद शुगर बना, और शुगर क्या है, वैल्यूएबल थिंग्स है, तो शुगर की कॉस्ट बढ़ गई ना, उसकी वैल्यू बढ़ गई। जैसे अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, तो एल्यूमिनियम के लिए रॉ मटेरियल क्या है, बॉक्साइट, कि बॉक्साइट को लिया, बॉक्साइट को प्रोसेस किया और उसको कन्वर्ट किया किसमें, एल्यूमिनियम में। वैसे ही वुड को हमने लिया, वुड क्या है, रॉ मटेरियल है, उसको प्रोसेस किया और कन्वर्ट कर दिया पेपर में, तो पेपर की वैल्यू इंक्रीज हो गई। वैसे ही अगर हम आयरन स्टील की बात करें, तो आयरन स्टील को क्या किया हमने, प्रोसेस किया है, किससे, रॉ मटेरियल क्या लगा उसके लिए, रॉ मटेरियल क्या था उसके लिए, आयरन ओर, आयरन ओर को लिया, उसको प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद उसको कन्वर्ट किस में किया, आयरन एंड स्टील में। तो जो प्रोसेस करने के बाद प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि रॉ मटेरियल को लेकर और किसी भी इंडस्ट्री में उसको प्रोसेस किया जाता है, और इंडस्ट्री में प्रोसेस करने के बाद एक लार्ज क्वांटिटी में उससे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। ओके, ये समझ में आ गया, वेरी गुड। एंड द इकोनॉमी स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को, किसी भी कंट्री के
डेवलपमेंट को अगर हमें मेजर करना है तो वहां पर कितनी इंडस्ट्रीज डेवलप्ड हो रही है, वहां पर डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कितनी डेवलप हो रही है। जिस कंट्री में जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, इसका मतलब है कि वो कंट्री उतनी ही ज्यादा डेवलप कर रही है, वो कंट्री उतनी ही ज्यादा पावर गेन कर रही है। तो जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग की इम्पोर्टेंस देखते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग की मैन्युफैक्चर को कहा जाता है इट इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री। मैन्युफैक्चरिंग इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री की, किसी भी कंट्री की बैकबोन की तरह काम करती है मैन्युफैक्चरिंग। कैसे, बैकबोन क्या होती है, बैकबोन क्या होती है, किसी भी पर्सन की रीढ़ की हड्डी अगर वो टूट जाए या फिर वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो क्या हुआ कि वो पर्सन सीधे खड़ा नहीं हो सकता, सीधे बैठ नहीं सकता है। तो इसीलिए इसीलिए क्या कहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, वो किसी भी कंट्री की बैकबोन की तरह काम करती हैं। जितने ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी वो कंट्री उतनी ही ज़्यादा डेवलप होगी। और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी इट रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ द पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय द प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। क्या कहा है कि जिस कंट्री में जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी वहाँ पर जो ओवर प्रेशर है किस पर, एग्रीकल्चर पर है, वो रिड्यूस हो जाएगा। कि सपोज कि एक फार्म है, उस फार्म पर 10 लोग काम कर रहे हैं, कि सपोज शुगर केन कोई ग्रो कर रहे हैं कि 10 लोग उसमें लगे हुए हैं, लेकिन उसी काम को 2 लोग भी कर सकते हैं। अगर वहाँ पर कोई इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है तो वहाँ से जो 5 या 6 लोग जाकर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और बाकी के लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, तो जो ओवर बर्डन है एग्रीकल्चर पर कि जितनी इंडस्ट्री सेटअप होंगी उतना ही एग्रीकल्चर इनकम के साथ साथ उनको उस पर ओवरबर्डन कम हो जाएगा। इट रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ द पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। की इंडस्ट्री सेटअप हो गई तो उन बाकी कुछ लोगों को इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिल गया, वहाँ पर उनको जॉब मिल गई, तो अब एग्रीकल्चर के ऊपर उनका बर्डन धीरे धीरे कम हो गया है। और क्या इम्पोर्टेंस है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्रिडिक्शन सॉरी प्री कंडीशन फॉर रिडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। क्या कहा है कि जिस कंट्री में जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी अपने आप रिड्यूस हो जाएगी। कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, इंडस्ट्री सेटअप हो रही है तो लोगों को काम मिल रहा है, लोगों को काम मिल रहा है तो लोगों के पास पैसा आ रहा है, और पैसा आ रहा है तो पॉवर्टी अपने आप खत्म हो जाएगी, है ना। अभी जैसे एग्जांपल ये था ना कि जैसे 10 लोग एक फार्म में काम कर रहे हैं, कहीं पर इंडस्ट्री सेटअप हुई तो 4-6 लोग वहाँ पर जाकर काम करने लगे और काम किया तो वहाँ पर उनको पैसा भी मिला, तो काम मिला तो अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो गया, उनको वहाँ पर काम मिला तो अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो गया और पैसे मिले तो वहाँ पर उनकी पॉवर्टी खत्म हो गई। जैसे पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड द जॉइंट सेक्टर वेंचर्स, गवर्नमेंट ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया, जो पब्लिक इंडस्ट्रीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर्स हैं उसमें इन्वेस्ट किया है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया है ताकि लोगों को जॉब मिले और पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया जाए। और क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। अब ऐसा तो नहीं कि शुगर केन से शुगर को हमने बना लिया, ठीक है बस जितना शुगर केन हमने बना लिया, जितना हमें सेल्फ सफिशिएंट के लिए चाहिए था उतना बहुत हो गया, लेकिन हमें क्या करना है, हमें उसको ज़्यादा, यहाँ पर हमने देखा ना कि लार्ज क्वांटिटी में उसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे तो ऐसी भी कंट्री हो सकती है कि जहाँ पर शुगर केन ना होता हो या फिर जहाँ पर शुगर की कमी हो, तो उसको हम क्या करेंगे, हमारे पास तो एक्स्ट्रा है कि हमने लार्ज क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस किया है तो हम उसको दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे, और एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, ऐसे थोड़ी हम उनको फ्री में दे रहे हैं, एक्सपोर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, वहाँ से मनी एक्सचेंज करेंगे, पैसे लेंगे उसके बदले में, तो इससे हमें हमारा कॉमर्स इंक्रीज होगा, हमारा ट्रेड इंक्रीज होगा हमारी कंट्री का, और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, जितना फॉरेन एक्सचेंज आएगा वो कंट्री उतनी ही ज़्यादा डेवलप्ड होती चली जाएगी, उस कंट्री की इकोनॉमी उतनी ही ज़्यादा डेवलप्ड होती चली जाएगी। वेरी गुड। एंड मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड हायर वैल्यू ऑफ गुड टू द
कंट्री एंड ब्रिंग द प्रॉस्पेरिटी। क्या कहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग किसी भी प्रोडक्ट्स को हायर वैल्यू प्रोवाइड करती है और प्रॉस्पेरिटी लेकर आती है। कैसे कैसे? अगर जैसे शुगर केन का एग्जांपल लिया, या फिर हम पेपर का एग्जांपल लें, या फिर हम शुगर केन का एग्जांपल ले सकते हैं, वुड का एग्जांपल ले सकते हैं, कॉटन का एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम किसी कंट्री को कॉटन एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो हमें उसके उसकी वैल्यू या फिर उसके बदले में हमें पैसे उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे। शुगर केन को अगर हम सेल कर रहे हैं तो उसके पैसे हमें उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे जितने शुगर को सेल करने में मिलेंगे। तो मतलब यहाँ पर ये कहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड हायर वैल्यू टू गुड्स टू द कंट्री, कि अगर हम यहाँ से कॉटन को एक्सपोर्ट करने के बजाय टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करें, उसके कपड़े बनाकर एक्सपोर्ट करें, तो उससे उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और उससे प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा आएगी कंट्री में। हम गन्ने को बेचने के बजाय शुगर को सेल करें, हम वुड को बेचने के बजाय पेपर को सेल करें, तो क्या होगा? उससे उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, वैल्यू ज़्यादा होगी तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे, और पैसे ज़्यादा मिलेंगे तो कंट्री डेवलप करेगी और कंट्री में प्रॉस्पेरिटी आएगी। अब जो एग्रीकल्चर है और इंडस्ट्रीज हैं, दे गोन हैंड इन हैंड, मतलब दोनों हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। कैसे कैसे दोनों हाथ में हाथ डालकर चलते हैं? एंड दे मूव हैंड इन हैंड। तो ऐसे क्यों कह रहे हैं हम कि दोनों एक दूसरे में के हाथ में हाथ डालकर चल रहे हैं? क्यों? इसका मतलब है कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों की एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है, दोनों का एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं है, कि दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ कर की ही चलना पड़ेगा। कैसे चलना पड़ेगा? जैसे हम शुगर इंडस्ट्री की बात करें, शुगर इंडस्ट्रीज में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? वहाँ पर शुगर बनाई जा रही है, लेकिन शुगर बन किससे रही है? शुगर तो शुगर केन से बन रही है ना, और शुगर केन कहाँ से आएगा? बिल्कुल सही बात, शुगर केन आएगा एग्रीकल्चर से। तो अगर एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल जो शुगर केन है उसको प्रोवाइड नहीं कराएगा सेकेंडरी सेक्टर को या फिर इंडस्ट्रीज को, तो इंडस्ट्री शुगर को डेवलप नहीं कर पाएगी, शुगर को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। और वैसे ही जो एग्रीकल्चर है उसको क्या चाहिए? उसको बहुत सारी मशीनरीज चाहिए, ट्रैक्टर्स चाहिए। वो सब कहाँ से आएंगे? वो किससे आएंगे? वो इंडस्ट्रीज से आएंगे, सेकेंडरी सेक्टर से आएंगे। तो देन वी कैन से दे मूव हैंड इन हैंड। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, इट मीन्स वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, अलग नहीं है। एंड दे मूव हैंड इन हैंड, कि उन दोनों का एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं है। अगर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल चाहिए तो रॉ मटेरियल के लिए उसको डिपेंड होना पड़ेगा किस पर? प्राइमरी पर या फिर एग्रीकल्चर पर। और एग्रीकल्चर को अपना प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ानी है, अपना प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो उसको डिपेंड किसके ऊपर होना पड़ेगा? इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, कि इंडस्ट्रीज़ उसमें बहुत सारी कुछ मशीनरी को प्रोड्यूस करती हैं, मशीनरी बनाती हैं, मशीनरी जो एग्रीकल्चर की एफिशिएंसी को बढ़ा देती हैं, उसके कैपेसिटी को बढ़ा देती हैं, उसके प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं। बहुत सारे फर्टिलाइजर्स हैं, मैनवर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, वीडिसाइड हैं, और पाइप्स हैं, इरिगेशन के सिस्टम्स हैं, वो सब कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं? इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है जिससे उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो क्या कि शुगर केन का हम एग्जांपल ले रहे थे, तो और ज़्यादा वो शुगर केन को प्रोड्यूस करेगी एग्रीकल्चर, कि उसके पास बहुत सारे दूसरे वेपन्स आ गए हैं, कि अब वो अपने हार्वेस्टिंग बहुत तेज़ी से कर पाएगी, वो क्रॉपिंग बहुत तेज़ी से कर पाएगी। तो अब बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइजर्स आ गए हैं कि अच्छी क्वालिटी का गन्ना वहाँ पर वो तैयार कर पाएगी। तो जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो वो इंडस्ट्री को ज़्यादा रॉ मटेरियल दे पाएगी, और जब रॉ मटेरियल ज़्यादा आएगा तो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर को प्रोड्यूस करेगी, और ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा? एक्सपोर्ट ज़्यादा क्वांटिटी में होगी, और एक्सपोर्ट ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो अल्टीमेटली हमारी कंट्री की इकोनॉमी इंक्रीज करेगी, वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज करेगा। एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ से एक्सचेंज आएगा ना हमारे पास। बिल्कुल। And the agro industries in India have raised agricultural productivity and the production process efficient. अब वही जो भी मैंने बताया था कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो उनको बहुत सारे
इक्विपमेंट प्रोवाइड करा रही हैं, उन इक्विपमेंट की मदद से, उन इक्विपमेंट की हेल्प लेकर जो एग्रो है या फिर एग्रीकल्चर है, वो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो रही है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो ज़्यादा इनकम होगी। एंड सेल्फ सफिशियंसी अलोन इज नॉट एनफ फॉर द मैन्युफैक्चर गुड्स, मैन्युफैक्चर गुड मस्ट बी एज पर इन द क्वालिटी विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट। यहाँ पर हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट का मतलब है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या है कि सारी जो मार्केट में, एक जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पर सारी कंट्री एक साथ आ गई हैं, तो क्या कर रही हैं कि अब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इंडियाई शुगर को प्रोड्यूस कर रहा है या फिर इंडियाई टेक्सटाइल को प्रोड्यूस कर रहा है या फिर इंडियाई सिर्फ आयरन स्टील को प्रोड्यूस कर रहा है, एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस कर रहा है, और भी तो दूसरी कंट्री है ना, वो भी तो प्रोड्यूस कर रही होंगी, है ना, वो भी प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में टिक कौन पाएगा? यस, टिक वही पाएगा जिसकी क्वालिटी कंपीट करेगी, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी उसकी सेल भी इंक्रीज होगी, उसकी सेल बढ़ेगी, उसी को ज़्यादा एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट कराया जाएगा। सपोज हम यहाँ हमारी जो शुगर है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है इन द कंपेयर इन द अदर कंट्रीज़ की, दूसरी कंट्रीज़ के कंपेरिजन में हमारी कंट्री का जो शुगर है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी उम्दा क्वालिटी का है, तो क्या होगा कि हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री वाले ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, तो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, तो अलग अलग कंट्री से हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है तो क्या हो रहा है, हमारी कंट्री की इकोनॉमी डेवलप कर रही है। इसीलिए कहा था, क्या कहा था, बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रीज़ जो मैन्युफैक्चर है वो किसी भी कंट्री का एक बैकबोन की तरह काम करती है, उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है। तो आई होप जो इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज़ है और दोनों एक दूसरे से अलग कैसे नहीं है कि दोनों एक दूसरे के एक्सक्लूसिव नहीं है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आए कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या है, मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, उसका फ़ायदा क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं। एक और नया जो वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें हम देखेंगे कि किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री को हम सेटअप करें तो उसके लिए लोकेशन किस तरह से देखेंगे, और जो कंट्री की जीडीपी है उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो किस तरह से हेल्प कर रही हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।